होगा। तो आज बहुत ज़्यादा काम है यार। एक तो मैंने जो है ये हमारा साइड मिरर, इसका जो इंडिकेटर है वो मैं चेंज करवाने जा रहा हूँ, जो लगातार चलता है वो आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। तो उसके अलावा छोटे मोटे काम है, तो वो आप लोगों को ना मैं अब साथ साथ दिखाता हूँ कि मैं क्या कराना है। तो इसकी हेडलाइट का थोड़ा बहुत इशू है, तो वो मैंने हल कराना है। और जो बैक लाइट है उसमें ना ज़रा मसला चल रहा है, तो वो मैं उतरवा के वो भी ज़रा साफ़ करवानी है। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को अब साथ साथ बताता हूँ कि मैं इस गाड़ी के क्या काम करवाता हूँ। वैसे आपस की बात है, लगता है कि बहुत छोटे काम है यानी जल्दी हो जाएंगे, मगर बहुत ज़्यादा टाइम टेकेंगे यार। छोटे छोटे काम बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, तो वो मुश्किल होता है मैनेज करना। खैर, आप लोगों की खातिर हम करेंगे। तो अभी ये तो हमने गाड़ी खड़ी कर दिया, मैं आप लोगों को बाद में दिखाता हूँ कि इसे क्या काम कराता है। एक्चुअली मेरी आवाज़ थोड़ी कम आएगी क्योंकि मेरे पास मैंने भाई माइक नहीं लगाया हुआ। जो लाइट साफ़ करानी है वो ये है कि मेरा एक्सीडेंट हुआ था तो ये लाइट ख़राब हो गई थी, और आगे से भी ज़रा इशू है। नंबर प्लेट भी लाजमी चेंज करवाएंगे। लेट्स सी, मैं ये सिटी कार आया था तो चलते। तो अभी मैं सिटी कार आया हूँ, तो मैं देखूँ कि मैं इधर से क्या क्या चीज़ें लगाता हूँ। ख्याल रखना पता, बहुत चीज़ें यार, सारी चीज़ें देख के दिल करता बंदा ये भी लगवा दे, ये भी लगवा दे। अब मैं इधर किट भी देख लिया हूँ, देखते हैं। बहुत हैवी खर्चे होने लगे भाई। तो मैंने इसकी फाइनली कनोट तो फाइनल की है, अब जो साइड वाला उसमें पेंट कराना मुझे पड़ेगा, वो फिर आप लोगों को मैं साथ साथ दिखाता हूँ। अब आगे मैं नीचे लगा रहा हूँ कनोट, अभी ये साइड्स पे भी लगेंगी। यार बहुत ज़्यादा काम है, आवाज़ नहीं आ रही होगी आप लोगों को मेरी सही तरह, क्योंकि शोर काफ़ी ज़्यादा है। इसका बैक शीशा भी चेंज करवा रहा हूँ मैं, बम्पर एक्स वाला लगवाने का सोच रहा हूँ, देखता हूँ। यकीन माने बस हो, इतने काम है वल्लाह। गाड़ी का काम कराना सौखा काम नहीं है, बहुत औखा काम है, छोटे छोटे काम निकल आते हैं। ये जो सारी मैं गाड़ी तैयार करा रहा हूँ ना, ये मैं इस लड़के की वजह से करा रहा हूँ। मैं आप लोगों के साथ तुम्हारी हैं जो दो गाड़ियाँ तैयार हो रही हैं, ज़ैफा भाई हैं, इनकी वजह से मैं अपनी गाड़ी तैयार करा रहा हूँ। एक ये ब्लैक है और एक वाइट है, इंशाल्लाह बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। बस आप लोग देखते जाए, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ यार, सब्र नहीं हो रहा मुझसे। ये हमारे असीफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ, मशहूर हो जाओगे अब यूट्यूब पे आओगे। मुझे ना अपनी गाड़ी देख के लाइक बड़ा मज़ा आ रहा है यार, तैयार होते देखते ना स्वाद ही कुछ और है। ये उज़ैफा की गाड़ी, ये मेरी, और जो मैं अब करने जा रहा हूँ वो जो ये गाड़ी है इस पर मैं एक्स का बम्पर लगवाने लगा हूँ। पहले मेरा पुराना वाला बम्पर लगा था ये वाला, और मैं यही किट लगाने का सोच रहा था ये जो उस पर लगी हुई है, मगर मेरा ये ब्लैक पे अच्छा लग रहा है, मगर मुझे वाइट पे ना इतनी फील नहीं आई, तो मैंने कहा यार एक्स का बम्पर लगवा लेता हूँ। अब मैं इस पर एक्स का बम्पर लगाने लगा हूँ, वो उधर सामने पड़ा हुआ है। वो जो ये है लाइट मैंने खुलवा ली है, इसका मैं शीशा चेंज करवाने लगा हूँ ताकि पेपर लगा अच्छा लगे। जो इसका है ये इसमें नहीं इतना फील होता। और जो ये मोनोज है ये भी ब्लैक करवाने हैं, तो अब इसका भी देखते हैं क्या हाल करना है। बड़ा टाइम टेकिंग है, मगर चलो कोई नहीं। ये पहले आप लोगों को मैंने दिखाया था कि पूरा लगा रहे थे इधर इस साइड पे, मगर वो पूरा ना मुझे ओवर सा लग रहा था, तो बस मैंने इस साइड्स पे लगवाया। मैंने कहा इससे ज़्यादा बेहतर लगेगा। और ज़ैफा भाई आप ही मशहूर हो जाओगे इंशाल्लाह। ये बम्पर लगा रहे हैं एक्स का, माशाल्लाह बोला मत भूलिएगा यार, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। खुशी देख रहे हैं आप लोग मेरी। तो मैंने ये लगवाया नॉर्थ, ये डे लाइट में ऐसे होती है। तो इसकी मैं बात कर रहा था इंडिकेटर की, लगातार चलते रहते हैं कि जब इंडिकेटर देते तो चेंज हो जाते हैं। ये बहुत वाइट शेड दे रहा है। हाँ, ये मैंने एक्स का बम्पर लगाया है, इसमें कलर में फ़र्क आ रहा है, आप देखते हैं। एक एक्स का बम्पर लगाया, इसके साथ में हम वो लगाएंगे नोट। इधर से भी ऐसे सारा अभी इधर तो डोर पे भी लगेगा, वो पेंट होने के लिए दिया। अच्छा सीधा कर दो या बैक कर दो।
अब आप लोगों ने 4 से 5 चीज़ें करनी है, टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, बेल का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।